पर मंथ कितना कमा जिस कंपनी ने फायर किया था ना ने उसके सीईओ से ज्यादा कमा रहा आज फ्लाइट के अंदर तुम मेकआउट करो या किसी के साथ एक्टिव हो जाओ पनिशेबल ऑफेंस है कि आप चुपचाप करो बिना आवाज निकाले।, निकाले तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ लिखा है किताब में मतलब दो देश का ओवरऑल था कि लोगों लगा बहुत पैसा छाप दिया हाँ लोगों ने व्यूज और पैसा आपने बहुत छाप दिया फर्स्ट टाइम हमने बस हमने कहा है इससे कुछ नहीं कमा रहे हम कड़वा घूटे

उनकी हर चीज जानने में उन्हें इंटरेस्ट होता है एंड आज के जो क्रिएटर हैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं गौरव तनेजा इन्होंने पूरे इंडिया के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाया कि कुछ भी करते हैं लोग इन्हें देखते हैं तो क्या है ऐसी रिलेशनशिप कैसे बनती है उस बारे में हमने आज के एपिसोड में बात करी है और हमने बात करी है देश के धोनी के ऊपर ये एपिसोड बड़ा होलसम है क्योंकि इस एपिसोड में बहुत सारी लर्निंग्स हैं बहुत सारे इंसाइट्स हैं अबाउट न्यू न्यू इंडस्ट्रीज रिलेशनशिप्स एंड इंडिया के एक नॉर्मल इंसान के बारे में पता चलता है उनकी जर्नी के बारे में पता चलता है कि वो नॉर्मल इंसान से आज इतने बड़े सेलिब्रिटी कैसे बने कि जहाँ वो जाते हैं वहाँ हज़ारों लोग भीड़ लगा के आ जाते हैं प्लीज़ इंजॉय टूडे शो बट बिफोर यू डू दैट राजमानी क्लिप्स और राजमानी शॉर्ट्स चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर हम इस एपिसोड में जो चीज़ें नहीं डाल पाते हैं और बहुत सारी बिहाइंड द सीन्स अनफिल्टर चीज़ें उन सबको छोटे छोटे क्लिप्स और छोटे से टाइम में दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप एक बेहतर लीडर बन सकें इन्जॉय द शो मेरे को ये बताओ आप बता रहे थे ये क्या कर रहे हो ये जंक वाले मैंने कल देखा दो इंटरेस्टिंग थे जंक वाले में क्या है कि हम दो फूड को कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ भी खाते हो तो आजकल बहुत चीज़ें हैं कि हिडन कैलोरीज काफ़ी जगह में होती है प्लस एक चीज़ ये भी है कि कैलोरीज आर नॉट बैड बट वो किस फूड सोर्स से आ रही है वो बैड है तो इसमें ये आपको ब्लड शुगर का ग्राफ दे देता है कैसे आपके ब्लड शुगर पीक हुई है तो बेसिकली अगर वो बहुत जल्दी पीक हो गई और उसके बाद बहुत जल्दी क्रैश हो गई

या उसके बिना या फिर स्ट्रेस हो गया तो कुछ मीठा खाना ही खाना है। भाई यस येस दैट इज़ सो ट्रू पता है तो मैं ना मैं कुछ अल्कोहल नहीं पीता ना मैंने मैं कोक रेडबुल वगैरह भी नहीं पीता था ठीक है फिर एक मेरा फेज़ आया कि जहाँ पे रेडबुल मैंने पीना स्टार्ट करी फिर रेडबुल रेडबुल ही पी फिर मैंने बहुत टाइम के लिए एक दो साल स्टॉप कर दी एंड रिसेंटली लास्ट मंथ मैं एक फ़्लाइट में था और मैंने डाइट कोक ले ली और वो आई थिंक ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज हो गए मेरे को ऑलमोस्ट एवरी डे डाइट कोक की क्रीविंग हो रही है ऑलमोस्ट एवरी डे क्योंकि ये जो आप बोला ना कि एकदम से शायद डाउन हो रहा है या क्या मैं पिछले एक दो साल से नहीं पीता था, था तो मेरे को आज तक कभी कोक दे के क्रेविंग नहीं अब नहीं होती तो भी मैं बुलाने लग जाता हूँ hmm. होता है और बट बट वो डिफरेंट क्रेविंग है डाइट की बिकॉज डाइट को आपको वो पीक और ड्रॉप नहीं देगा क्योंकि उसमें कैलोरीज नहीं है ओके okay. वो आपको ब्रेन को वो क्रेविंग हो रही है ओह oh. वो ब्रेन की क्रेविंग है वो शुगर की क्रेविंग नहीं है ओके okay, तो ऐसे ब्रेन की क्रीविंग बट बट हमने जो फूड्स अभी तक टेस्ट किया आप मानोगे नहीं हमने बहुत हमने हमने छोले भटूरे वर्सेस मैकडोनल्ड्स भी किया और जितनी बार भी हमने टेस्ट किया ना रीडिंग जो हम सोचते थे उससे ऑपोजिट ही आई है क्या सबसे सबसे इंटरेस्टिंग यार हमने सबसे वो सबसे पहले एपिसोड में हमने छोले भटूरे वर्सेज मैकडोनल्ड्स किया था मैकडोल्ड्स में वी हैड वी डिड नॉट हैव एनी कोक छोले भटूरे नॉर्मल जैसे मिलते हैं प्लेट में बड़े भटूरे छोले भर के और मैकडोनल्ड ट्राई किया मैक महाराजा विथ फ्राइज ओके लार्ज भाई छोले भटोरे की पीक ऊपर निकल गई वन सेवेंटी फोर थी वन ऑफ द हाईएस्ट और मैक महाराजा की कम थी उससे बट उससे ये भी निष्कर्ष निकला फिर कि आपका कितना भी सिंपल काब्ज हो मैदा हो चीनी हो बट इफ़ यू आर हैविंग अ पोर्शन ऑफ सैलड इसमें लेटिस है टमाटर है प्याज है कुछ भी है इट विल ब्रिंग द पीक डाउन फिर हमने बड़ा इंटरेस्टिंग सा किया हमने दो आइसक्रीम भी कौन मंगाए hmm. सेम कौन पहले दिन सुबह एंड आई डू दिस टेस्ट आफ्टर गेटिंग अप सो दैट रात भर कुछ नहीं खाया स्टेबल हो जाए रीडिंग एंड देन यू कैन स्टार्ट टू सेम रहे सब कुछ पहले दिन खाया भाई आइसक्रीम खाई पीक मारी सेकेंड डे एक बड़ा सा सैलड का बोल लिया पहले वो खाया hmm. उसके बाद फिर आइसक्रीम इन्जॉय की hmm. भाई वो ऊपर गया ही नहीं क्या बात हाँ सो दिस इज द ट्रेक एंजॉय जंक फूड है साथ में खाओ पहले खाओ बाद में खाओ तो तो बड़ा because, बोल खा लो और फिर। फाइबर हाँ, इन सिंपल फंडा ना आप आप वीट लेते हो वीट के ऊपर कोटिंग हटा दी उसमें फाइबर होता है उसको बना दिया मैदा सिंपल काब होगी ना हाँ। आप खा रहे हो पीक मारा छोले भटूरे में अब वीट खाओगे नहीं मारेगा तो फाइबर ही है सब कुछ इट स्लोज डाउन द डाइजेशन तो अगर स्लो गया तो वो धीरे से नीचे आएगा

कभी ना कभी तो खाते ही बाहर जाए हाँ। और चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो दिस होल आइडिया इज़ कि आप जब आप जंक भी खा रहे हो कुछ बाहर भी खा रहे हो उसमें भी थोड़ा सा हेल्दी चॉइस अगर आप बना सको तो ज़्यादा अच्छा से तो ज़्यादा बेटर है एक और मैं एक बताता हूँ क्योंकि <laughs> तो हम हिडन वाली बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत रिसेंटली पता चला क्योंकि अभी हमने ना परफ्यूम बनाई तो उस परफ्यूम के लिए हम लोग काफ़ी रिसर्च कर रहे थे कि कैसा होता है क्या होता है नाइन्टी परफ्यूम्स में ना उसमें पैराविन होता है जो

कभी आपने देखा बाहर की बहुत इंपोर्टेड परफ्यूम लगाते हो बहुत एक्सपेंसिव तो वो ना एकदम ऐसे स्मूथ लगती है हाँ, 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 लगता है हाँ. कि यार भाई ये ऐसा पानी या स्प्रे नहीं लगाया कोई क्रीम लगा दी मॉइस्चराइजर लगा दी अच्छी क्वालिटी लगती है, दिखे, दिखे, लगती है। हाँ, हाँ. वो बहुत बेकार है मतलब लगाना नहीं चाहिए एंड व्हाट अबाउट जो ऑयल आते हैं उनमें एसेंशियल सब में एसेंशियल ऑयल होता है सब में एसेंशियल ऑयल होता है ऑयल की दिक्कत नहीं है ऑयल के ऊपर ज़्यादा उसको ज़्यादा स्मूथ करने के लिए तुम पैराबेन डालते हो कि डालते हो उस पर फर्क पड़ता है तो यूजुअली लोग कोई भी परफ्यूम खरीदो मैं हमारी खरीदो किसी और की करो कोई फर्क नहीं पड़ता ये देखो कि पैराबिन नहीं होना चाहिए दैट समथिंग न्यू तो काफी हिडन चीजें आई थिंक ओवरऑल अवेयरनेस बढ़ रही इंटरनेट पर इसलिए लोग देखते जा रहे हैं बट बहुत न्यू था मेरे लिए ये कि यार परफ्यूम से मतलब टेस्ट टेस्टेस्टॉर कम होता है कभी सोच ही नहीं सकता था तो उसको इनहेल कर रहे हैं उसकी वजह से कम हो रहा है पैराबिन भी अंदर जा रहा है हा, इसलिए हाँ हाँ बॉडी पे लगा रहे उससे भी कम होता है इनहेल कर रहे उससे भी कम होता है बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे अभी आपने सुना था

और ये बड़ी प्रीमियम मैच स्मैल है यार अच्छी लग रही है सही है सो so, आप किंग पता है आपको कॉन्टेंट म्यूजिशियन की तो उसके साथ लॉन्च करी साथ में मैं, तो, मैं आपका एक देख रहा था कि पॉडकास्ट तो उसमें आप कह रहे थे कि हम ब्रांड्स भी लॉन्च करते हैं क्रिएटर्स के साथ हाँ, हाँ, हाँ। वही करते हैं एक्चुअली तो अभी कितना कितनी ब्रांड्स किस किस के साथ करिए अभी संजोत के साथ कर दी वो बुलेट मिक्सर जो आप पीछे देख रहे हो वो संजोत कीर के साथ किया शेफ के साथ ओके सो ये इंडिया का फर्स्ट अटोमिक प्रसेशन मिक्सर है और What ये जो एटॉमिक प्रेसिजन अटोम एटॉमिक प्रेसिजन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज आपको ग्राइंड करनी है वो एक मिनट के अंदर ग्राइंड हो जाती है अच्छा सो so, टेक्निकली में है कि उसकी ब्लेड ऐसी है जो एटम को भी हाफ में काटती है बट वो उससे फर्क नहीं पड़ता मेन फर्क इससे है कि भाई जो चटनी आप चार मिनट में पीसोगे वो एक मिनट में पिस जाती है अच्छा मतलब बहुत 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 फाइन 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 ग्राइंड 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 गया तो इलेक्ट्रॉन अलग प्रोटॉन अलग ओके मुझे दो तीन चीजें पूछनी है पहले क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं फिर एविएशन के बारे में बात करें फिर जोर्नी के बारे में बात करेंगे ठीक है तो मुझे एक बात बताओ कि सबसे मेन जो क्वेश्चन होता है कि भाई क्रिएटर ना ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा दैट्स द यूजल क्वेश्चन कि दो तीन साल चलता है ख़त्म हो जाता है उसके बाद पीक हो गया उसके बाद पैसे नहीं कमा पाते हैं और आप बहुत टाइम से चल रहे हो और बहुत पीक पे हो तो वट डू यू थिंक क्या क्रिएटर अपने आप को ऐसा कॉन्टेंट क्रिएटर सस्टेन कर सकता है कोई भी इंसान जो देख रहा है वो क्या करियर बना सकता है पूरा डेफिनेटली माई आंसर विल बी येस हाँ आपके लाइफ में डाउंस आएंगे भाई जब ना प्यार आई थी ना तो लोगों ने कहा था शाहरुख गया है ना बट शाहरुख खान वो बंदा है जिसको समझ थी अपने बारे में फ्यूचर के बारे में और उसको भी पता था कि भाई लॉन्ग टर्म अगर टिकना है तो क्या करना चाहिए सेम चीज़ और वो कहना प्यार आ गया ना तो उसका टाइम था नहीं उस समय तो और एक्सेप्ट किया कि भाई नए लोग भी आएंगे फॉर अ मोमेंट उसके ऊपर भी जाएंगे एंड सेम चीज़ है नए लोग आएंगे आपसे ऊपर भी जाएंगे आपने जो ग्रोथ देखी है उसकी डबल ट्रिपल ग्रोथ भी देखेंगे बट आप अपना देखो कि आपका ग्राफ पहले ये था यो यू ग्राफ शुड बी जस्ट पॉइंटिंग इन इन पॉजिटिव अगर प्लस पॉइंट वन भी है ना तो आप सही कर रहे हैं मतलब ऊपर जाना चाहिए कभी कभी रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी लेस बट इफ इट इज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन और हाँ री डिस्कवर अपने आप को करते रहो आप बाय री डिस्कवर आई मीन की वन एटी डिग्री पेवट मत मार दो आप यहाँ चल रहे थे तो आपको लगा मैं उल्टा या फिर यहाँ नहीं स्मॉल माइनर करेक्शन्स बट डोंट लूज वॉट पीपल केम एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर क्योंकि ये मेरा मानना है कि जिस वजह से लोगों ने आपको देखना स्टार्ट किया था वो आपको वही उसी रोल में पसंद करते हैं अगर आप एक व्लॉगर हैं तो पूरा अगर आप कुकिंग शो खोल देंगे तो शायद मे बी वो उनको लगेगा पूरा डिसकनेक्ट तो इनिशियल जो जनता आई थी वो भाग जाएगी तो मेनटेन दैट और कुछ नया ट्राई करते रहो लोगों की जो नब्ज़ है वो आपको पता होनी चाहिए बिकॉज आप क्रिएटर हैं तो अंडरस्टैंड करना चाहिए आपको बट हाँ यू you नो know, मैं क्या ना एकता कपूर का आर्टिकल पढ़ रहा था बहुत पहले जी हाँ बहुत पुराना उसने आर्टिकल लिखा हुआ था जब एकता कपूर पीक पे थी वो तो इंडिया में सिर्फ दो ही चीज़ें चलती है या तो सॉफ्ट पॉन दिखाओ लोगों को या सिर्फ कलेश दिखाओ दैट वॉज एकता कपूर अपोज थिंग कि कहीं ना कहीं कलेश ऐसा की कोई कॉन्स्पेरिसी चलनी चाहिए इनसाइड घर जिससे लोग रिलेट कर सकें तभी उनके सारे सीरियल ऐसे होते थे कि भाई सास बहू का कुछ हो रहा है पति पत्नी का आ, कुछ आ, हो रहा है हर घर की जेनरिक बच्चे माँ बाप का कुछ हो रहा है माँ बाप का कुछ हो रहा है लाइक इट्स इस ऑलवेज है यही दो चीज़ें जो इंडिया बहुत स्केल पर देखता है ड्यू यू थिंक ये ट्रू है क्योंकि ब्लॉग्स भी जिन्होंने देखे मैक्सिमम फैमिली बहुत इन्वॉल्व थी वो भले एंटरटेनमेंट के लिए थी कि लड़ाई के लिए थी कि किसके लिए थी वो नहीं पता बट डू यू थिंक ये ट्रू है हाँ दोनों आई थिंक और भी चीज़ होंगी जो ट्रू हो सकती है उन्होंने जस्ट दो एस्पेक्ट रखे कि सॉफ़्ट पॉन है और घर के कलेश दिखाओ तो वो चलते तो हैं और लोगों को मजा भी आता है बट भाई नाव थोड़ा सा मैं चेंज हो गया हूँ पिछले एक दो सालों में पिछले okay. एक साल में स्पेशली स्पेशली जब देश कॉलोनी राइड करके तो मैं बहुत ही चेंज हो गया तो uh, uh, वृंदावन में गुरु जी हैं पेमा जी तो उनके मैं काफ़ी देखता हूँ तो वो बस कहते हैं ठीक है मज़े करो लेकिन अंत में होगी दुर्गति पता भी नहीं चलेगा तुम्हें तो वो उस पाथ पे अगर जा रहे हो ठीक है आप करो मज़े बट हाँ देन यू हैव टू बी आंसरेबल टू योर क्रिएटर वन यू गो अप तो वो थोड़ा सोच हम वो भूल जाते हैं हमें लगता है कि जो भी है यहीं पर स्वर्ग नर्ग यहीं पर तो बट आपकी अपनी अपनी बिलीफ है नाउ यू बिलीव कि अब कुछ मीनिंगफुल करना है ऐसा भाई मीनिंगफुल तो हमेशा से करना था बट वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि कुछ ऐसा नहीं करना जिससे कि ऊपर जाके नज़र ना मिला पाएँ अपने क्रिएटर से कि वो नहीं करना तो इसलिए द वेरी वेरी कॉन्शियस एफर्ट गोज इन टू इंटेंशन सही होना चाहिए। हाँ इंटेंशन सही होना चाहिए प्लस बहुत सारे काम आता है ऐसा जो फिर अब नहीं करते क्योंकि तो अब अब लगता है एक एक चीज़ लगती है दिल में कि यार ये नहीं करना बहुत अच्छी लाइफ दी है भगवान ने एग्जाम्पल दो ऐसे क्या नहीं करना कभी क्या लगा कि यार ये तो नहीं करना यार मैं बोलना नहीं चाहता बट बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं कि देखिएम ठीक है कर सकते हैं है, मैंने रिसर्च करी आ, फिर मैंने कहा नहीं यार तू तो ये नहीं करते सही नहीं लग रहा ऐसे एक एक, एक आ, कोई तो ब्रांड थी देवर्स लाइक कि कुछ आपकी टेस्टिंग करनी है सैंपलिंग करनी है एंड वो सैम्पल होके आपको फ्री टेस्टिंग है कुछ ब्लड सैंपल या कुछ सॉप्स है कुछ सैम्पलिंग करके वो सैंपल जर्मनी जाएगा और फिर हम उसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका डेटा हम अपने पास रख लेंगे तो मेरे इट ड्राइंग सम बेल्स इन माय हेड यार इंडिया की जनता है हमारा डेटा कहीं बाहर जा रहा है वो अपने पास डेटा बेस बना रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा एंड दे देर पेइंग गुड मनी तो फिर मुझे लगा कि यार वो नहीं करना चाहिए बिकॉज थोड़ा सा इट इट रैंक सम बेल्स इन माई हेड क्योंकि जब जब जैसे कोविड आया था और बोलते हैं कि मैन्यूफैक्चर्ड वायरस है तो आजकल डेटा सब कुछ है ना आपका बायोलॉजिकल डेटा आपका डीएनए क्या है भाई किसी और कंट्री में कैसे स्टोर हो सकता है वो वो क्या कर लेंगे तुम्हारे साथ कल को कैसे यूज़ कर लेंगे मुझे इसका पूरा आंसर नहीं पता कि वो सही है गलत बट इट जस्ट डेंट फील राइट तो फिर ऐसे हाँ वो सब फिर नहीं, नहीं करता वो सब काम करने का मन प्लस और भी चीज़ें हैं यू नो इंटेंशन की बात करें तो अपन एक इंटेंशन का ये टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं देश का धोनी के बारे में जी जी राइट तो देश का धोनी पे क्या हुआ वॉट यू थिंक ऐसा क्यों हुआ कि इतना नेगेटिव सेंटिमेंट भी आया पॉजिटिव भी आया बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया जो लॉयल आर्मी थी आई डोंट नो फ्लाइंग बीस आर्मी बोलते हो आपके गौरव तेने जाए नहीं वैसे तो कुछ नहीं बोलते हो ऐसे तो कुछ नाम नहीं है बट हाँ बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया बट उन्हीं लोगों की वजह से मैं कर पाया हूँ फिर तो इंटेंशन क्या था मतलब देश का धोनी ओवरऑल था क्या मैं कोई ये समझाओ यार देश का धोनी था कि ये नाम कहाँ से आया पहली बात को कि धोनी भाई रांची में है चेन्नई से दो हज़ार आठ से आप देखेंगे आईपीएल में सबसे जो तगड़ी फैन फॉलोइंग है जैसे दादा की है बंगाल में हाँ आप बंगाल भी जाइए ईडन गार्डन में चेन्नई का मैच है वो पूरा ग्राउंड येलो है भाई आप कहीं भी जाओ मुंबई चले जाओ आप मोटेरा चले जाओ पूरे ग्राउंड येल्लो है मतलब मैं देखने गया तो मेरा दोस्त था वो आ, इसका हार्दिक सपोर्टर था वो गुजरात गुजरात तो कहता सामने वाले यहाँ सब यहाँ सब यहाँ सब गुजरात वाले उसके पड़ोसी निकल के आ रहे हो येल्लो टी शर्ट के तुम लोग येलो आस्तीन में सांप तो मतलब वो उनकी फॉलोइंग है तो इसीलिए वो पूरे देश के हैं तो हाँ। नाम वहीं से है देश का धोनी एंड देन वो अभी ही फोर्टी वन घुटने में उनके चोट है uh, हम चाहते वो हमेशा खेलें अस्सी साल तक खेलें बट ऑबली यू नो कि एज विल कैच अप एंड देन हाउ मेनी मोरियर सो द नेक्स्ट आइडिया बहस कि जब वो रांची में थे तो उनका एक बड़ा इंटरव्यू फेमस हुआ था कि आई एम फ्रॉम रांची जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और अगर आज से आप दस साल पहले भी देखोगे अभी तो बहुत खुल गया है क्रिकेट बट इंडियन टीम अगर उठा के देखोगे आप मुंबई कर्नाटका दिल्ली ये मेजर स्टेट सौराष्ट्र विदर्भ ये स्टेट से पूरी टीम बन जाती थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जम्मू कश्मीर से अब आया है उमरान एंड आप बहुत कम था रांची बिहार यूपी से भी अब आ गए मोहम्मद कैफ आए फिर और भी लोग आए बट कम था कुछ स्टेट से कुछ तो उनका था कि यार रांची में तो बहुत कम फैसिलिटीज़ थी पिच भी नहीं थी खेलने की अच्छा स्टेडियम भी नहीं था तो मुझे दिक्कत हुई तो देन वी थाट यार कि ना एक धोनी अगर जाते हैं कल को दो साल बाद तो वी नीड मोर धोनीज तो इस देश से और भी धोनी चाहिए तो वो एक एम था इस राइड का प्लस आ, ट्रिब्यूट था भाई दिल में बहुत प्यार है उनके लिए आ, लोग इसमें पूरी तरीके से गलत नहीं थे जो इसको गलत समझ रहे थे क्योंकि क्या गलत बोल रहे थे लोग लोग ये गलत बोल रहे थे कि आपने बस धोनी का नाम यूज़ किया कंटेंट बनाने के लिए आपको धोनी से प्यार व्यार उतना है नहीं कि व्यूज़ आएंगे इसलिए आपने ले लिया हाँ 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 बट हाँ। अगर आप देखो इसको कि मतलब इतने कोई यूज़ भी नहीं आया ना मतलब जितने मेरे आते थे उतने एक बार आपने अनाउंस किया उस पर ठीक है ज़्यादा आ गए बट देन इट इट वेंट नॉर्मली ओनली तो ऐसा नहीं है लोगों को लगा है बहुत पैसा छाप दिया हाँ लोगों ने व्यूज़ और पैसा आपने बहुत छाप दिया बट आई थिंक पीपल डोंट अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ क्रिएशन कॉन्टेंट वेन यू क्रिएट समथिंग एट सच अ लार्ज लेवल ओके तो इसमें हमने वी हैव पुटिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हमने बस हमने कहा तू तो पुटिन पुटिन है इससे कुछ नहीं कमा रहे हम एवरी थिंग इज़ पुटिन धोनी भाई का नाम था इसमें तो हमने कोई ब्रांड भी नहीं ली इसमें क्या ये एक काम तो मैं अपने आइडल के लिए कर रहा हूँ जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है hmm. तो इसमें हम कोई ब्रांड नहीं लेते हैं एंड देन बस लोगों को बट हमारी मेन कंस्ट्रेंट पता क्या थी एक तो हम सिटीज़ के थ्रू निकल रहे थे तो हमें मीटअप करना था हुँ. तो हमें बताना ही था कि हम ये कर रहे हैं और मीटअप आ जाओ तो वो आ, सोशल मीडिया पर लाइव होगी राइट देन एंड देयर दूसरी चीज़ें हम सब कुछ भी नहीं बता सकते थे कि हमें क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम जब सीरीज लाएंगे तो हम अपना क्लाइमेक्स पहले कैसे बता दें भाई एग्जैक्ट exactly. तो वो एक कंस्ट्रेंट था अब ये समझाना भी मुश्किल है फिर मैंने कहा रहे तो एक काम करते हैं अभी जो भी चल रहा है हमारा टाइम नहीं है दिस इज़ नॉट अ टाइम अभी इसको पी जाते हैं कड़वा घूट है ये पीना ही पड़ेगा जब टाइम आएगा फिर लोग अपने आप शायद समझ जाएंगे तो आई थिंक जब सीरीज़ रिलीज़ हुई देन वो सारा ऐसे का ऐसा हो गया लाइक एवरीबडी इज़ लाइक पूरा जो नेगेटिव था अभी बहुत लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बस टाइम टाइम की बात होती है भाई अगर आपके इंटेंशन सच्चे थे तो मैं दो लोग को अपना आइडल कह लो जैसे और जो मेरे जो आ, सही में व्यूअर्स हैं ना तो वो लिखते भी थे कि यार वो लोगों ने कहा था कि आप कभी आपने कभी धोनी भाई के बारे में इतना आप प्यार करते हो बताया नहीं कि साइकिल राइड पर निकल गए बट जो लोग सही में फॉलो करते हैं ब्लॉग उन्होंने कहा हाँ आपने बात करी है ईलॉन मस्क और धोनी एम एस धोनी इन दोनों का फॉलो करते हो आपने बहुत बार बोला भी है बट व्लॉग के बीच में आठ मिनट का व्लॉग है उसमें आपने एक बार बोल दिया या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे हो उनके बारे में उनके बारे में कोई क्वालिटी डिस्कस कर दी तो उस तरीके से था वो तो चौबीस घंटे आप उनका नाम नहीं जपते रहते ऑब्वियसली हाँ तो बट सो दिस इज़ द इंटायर थिंग कि लोगों को क्यों इसमें सेंस 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 नहीं 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 लगा लगा करने का तो तो इसलिए भी कि कि यार हमारी मजबूरी हम बता नहीं सकते थे कि hmm. सेंस क्या अदरवाइज एपिसोड में एक और सरप्राइज है जो हमारा बट वो हम कैसे बता दें ट्रू तो धोनी भाई से बट आप? तो, <laughs> 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 आप मिले भाई से अभी तक नहीं <coughs> मैंने ना, कैसा था मुझे ये बताओ यही मेरा महेंद्र सिंह धोनी नहीं वो आए मैं बैठा हुआ था पहले एंड मेरे को सारी लाइन्स अपनी याद थी मैं अपनी टी में टक 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 तक, 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 तक हाँ।, हाँ वो आए सामने सामने से आया वो और फिर मतलब मैं उठा मतलब इंस्टिंग था उठा तो मैंने को पैर छूए कह रहे पैर मेरे का छू रहा गले मिलो यार तो मतलब बट वो एक होता ना कि यार कौन सामने आ गया यार उनकी मतलब इतना जब उनके लंबे बाल थे इतना देखा ना उनको और जो कनेक्शन है उनसे द मेन कनेक्शन उनसे जो है ना कि यार उन्होंने गिव अप नहीं किया भाई जब वो वापस आए खड़कपुर से उन्होंने जॉब छोड़ दी भाई साहब बोलते हैं ना कि सब तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए लेकिन दो तीन लोग तुम्हारे साथ अगर रहेंगे तो दुनिया उखाड़ लोगे लेकिन यार उस बंदे के साथ जैसा मूवी में दिखाया गया एंड आई एम एज्यूमिंग वो मूवी पूरी ट्रू है उन्होंने खुद भी कहा उनके पापा ने भी कहा भाई भाई उन्हें गलत कर दिया नौकरी छोड़ के उस समय उस बंदे में क्या गुजरी होगी यार यार मैं मेरा ड्रीम है एक तरफ और मेरे पिताजी ने बोल दिया कि भाई तुमने तो नौकरी छोड़ के गलत किया मतलब अगर मैं होता मैं तो उस समय कुछ ना कर पाता यार मैं टूट ही जाता बट वो बंदा फिर भी मतलब उन्होंने लगाया किया, 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 किया और मतलब मुझे लगता है कि उनके जो फ्रेंड्स हैं ना उनको उतना कम क्रेडिट मिला है उनकी सक्सेस के लिए जो उनके साथ हमेशा रहे हैं यार ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं यार जो मतलब टॉप से वो नर्सरी या फर्स्ट से हैं उनके साथ आज तक वही आज तक वही है मुझे लगता है उनका एक बैठ के इंटरव्यू लेना चाहिए कि यार सर मतलब आप क्या चीज़ हो तब से साथ में और पूरा उनको लेके गए आगे तक यार तो वो मेरे लिए फिर मैंने उनकी बुक्स भी पढ़ी उन्होंने गिव अप नहीं किया कि यार नॉर्मल उनको चांस नहीं मिला फिर वो खाप क्रिकेट टेनिस बॉल क्रिकेट में लगे रहे भाई एक मैच के दो मिलते थे उनको क्या होता भाई दो में एक बैट भी नहीं आता यार एक दो हज़ार का किट भी नहीं आती बट ये भी है बाकी प्लेयर्स को एक हज़ार मिलता था उनको दो हज़ार मिलते थे <laughs> तो उनकी उनकी तुम कैलेवर समझ लो यार दूसरी चीज़ मैं प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गाता हूँ तो उनके सत्संग में बैठते हो आप सुबह तीन बजे चालू कर देने बैठे बैठे एंड देन इन ग्रुप्स ऑफ ट्वेंटी यू गो एंड मीट हिम तो वो उस दिन क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो पंडित आदमी उसकी क्वालिटीज़ क्या उन्होंने दो तीन क्वालिटीज़ बोली और मैं सुनता जा रहा था और मेरे दिमाग में ठक 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 तीन बार बजा यार ये तो धोनी भाई है बिल्कुल मतलब सेम क्वालिटीज उनमें है वो कहते हैं यार वो इंसान जो जब सक्सेस मिले ज़्यादा सेलिब्रेट ना करे और जब दुख हो तो अपने आप को संभाल ले वो पंडित है धोनी भाई धोनी भाई यार तीन चार चीज़ें उन्होंने बोली मैंने कहा ये तो यार भाई भाई अपने तो मतलब तो वही मैं, मैं अपने में इंस्टिल करने की कोशिश करता हूँ ऑनेस्टी मैं जैसे रितु से बोलता था कि जब हम लोग ये बना भी रहे थे राइट पर भी थे सेम थिंग गौतम गंभीर ने भी पिछले दो हफ्ते में बोले कि यार वो अगर नंबर तीन पे बैटिंग करते ना भाई उनके रिकॉर्ड अलग होते हैं आज बट वो नंबर सात पे गया वर्ल्ड कप फाइनल में वो ऊपर आए अगर वो ना चलते तो भाई इतनी गालियाँ पड़ती उनको ना इतनी गालियाँ पड़ती ना भाई लेकिन वही है ना कि आप अपना कर्म कर रहे हैं अपनी बेस्ट ऑफ दी एबिलिटी से और यही गीता में लिखा है कि फल की चिंता मत करो कर्म ही पुण्य है और कर्म ही आपका फल है क्योंकि आ, उसके आगे कुछ आपके हाथ में नहीं है उनको लगा कि यार मैंने मुतैया को खेला हुआ है मुलीधरन को इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी टू गो एंड टैकल हिम यू पाजी अच्छे फॉर्म में थे वो बहुत बड़ा डिसीजन था यार यू हाँ। पाजी के ऊपर आना बट उन्होंने किया और रिजल्ट हुआ और उनको पता था कि ये रिस्क है जैसे मूवी में लिखा था गैरी कर्सन में तो कोचते वो हैरान है कि आप पहले डाप हो यू भी पहले आप क्यों जा रहे हो बट भाई उन्होंने रिस्क लिया बट आई थिंक उनका बड़ा ऑनेस्ट डिसीजन था ये अरे उनको रिवॉर्ड मिला तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें यार बहुत उनसे इंस्पायर हुआ सही सही मैं अभी चेन्नई में था लास्ट ईयर जी तो कौनसेंटली जिस होटल में मेरी स्पीच थी मैं होटल से स्पीच देके जस्ट ऊपर ही आ रहा था और एकदम से धड़ धड़ बहुत सारे लोग आते हैं चेन्नई की किट पहन के आई चेन्नई सुपर किंग्स के और सबने रास्ता बना दिया मतलब होगा कुछ मुझे कुछ आइडिया नहीं था वहाँ पे चेन्नई शायद प्रैक्टिस करने गया था और उसी होटल में रुके हुए थे एकदम ऐसे आते हैं और छः सात लोग उनके आगे जो चल रहे हैं ना लोग वो चौड़ में <laughs> <laughs> एक बंदा कैप में बस नीचे देख के आराम से अपनी धुन में जा रहा है और मतलब तो इतना फेस दिखा मुझे महेंद्र सिंह धोनी का लेकिन वो ऐसा और फील होता है ना कि भाई कोई आ गया है और बढ़िया वो लिफ्ट में जा रहे हैं और मैं क्या लिफ्ट के बाहर रुक गया क्योंकि ये लोग थे भाई इस बंदे ने ऐसे लिफ्ट रोकी है कि आ जाओ मैं था और एक बच्चा था कि तुम लोग क्यों खड़े हो क्योंकि लिफ्ट में जगह थी और मैं और एक बच्चा खड़े रह गए थे बाकी सब लोग दूसरी लिफ्ट गए थे महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसे लिफ्ट रोकी है और मैं और वो बच्चे अंदर गए मतलब मैं ऊपर तक शौक में था और मेरा मेरी अनफॉर्चुनेट ये था कि मेरा फ्लोर बहुत जल्दी आ गया अब <laughs> <laughs> जब तक मैं प्रोसेस करता कि मैं कुछ बोलूं मैं फोटो खींचूं मैं कुछ बात करूं इतने में तो मेरा फ्लोर आ गया और मेरे को निकलना पड़ गया बट जस्ट द ह्यूमिलिटी यार वही वाज वाइल्ड मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि जो इतने बड़े इतने बड़े ऑनट्राज के साथ घूम रहा है वो मन आके रखे लिफ्ट क्यों रोके और मैं कौन हूँ कोई नहीं जानता ना, मैं ना, और एक दूसरा मतलब कुछ भी नहीं हा, हा, हा। ना कोई दोस्त ना जानते भाई आपको बहुत लोग जानते नहीं बट अगर आप भाई ये देखो ना कि कौन सबसे बड़ा क्रिकेटर है अगर उसकी फैन फॉलोइंग ही ज्यादा होती है किसने सबसे ज्यादा रन बनाया तो माए भाई शायद नहीं आते है ना सबसे बड़ा क्रिकेटर होना सबसे बड़े रन विकेट छक्के मारना इज़ नॉट द क्राइटेरिया टू विन पीपल्स हार्ट जस्ट बिंग इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग सेल्फलेस क्रिकेट खेला उन्होंने हमेशा जैसे hmm. अभी मैंने क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन किया अच्छा आप, आप करिए मैं मैं हाँ मैं सैंतीस साल का हूँ अभी एंड मेरे वो ड्रीम थे कि मैं जी क्रिकेट खेलता था मैं बट मैं बॉटम एंड ज़्यादा आ रहा है बल्ला घुमा रहा हूँ बल्ला सीधा नहीं आ रहा वो सब जो न्यू होते हैं छोटे छोटे जो आपको शायद चौदह पंद्रह साल में सीखने होते हैं मुझे मैंने कभी सीखे नहीं वो आ नहीं पाए तो मैंने अभी ज्वाइन किया अकेडमी में जाता हूँ मैं खेलता हूँ मेरे को अच्छा लगता है तो अब ड्रीम है कि क्रिकेट खेलोगे ऐसा कोई ड्रीम नहीं है कभी कुछ ड्रीम लेके नहीं करता मैं खेलना है बस अभी तो जैसे कहना ड्रीम है कि करोगे तो जब अर्जुन का गांधी हाथ से कांप रहा था कहता मैं उठा नहीं पा रहा तो कृष्ण कहते हैं उनको तुम्हारा काम ही नहीं है कुछ सोचना कि तुम युद्ध जीतोगे हारोगे लेकिन कहता है कि केशव जो फल होता है उसको पाने की चेष्टा में तो कर्म करता है इंसान कहता है वो गलत करता है इंसान आप बस कर्म करो फल मैं देख लूँगा आप बस कर्म करो तो मैं बस मेरे को अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना तो मैं खेल लूँ कहाँ पहुँचूंगा नहीं पता कहीं खेलूंगा नहीं पता कुछ नहीं पता बस मेरे को अच्छा लगता है और मुझे उससे बहुत अच्छा लगता है आज मैं बहुत खुश होता हूँ वहाँ जाके बस तो ये लॉ में भी ऐसा ही फील था कि मुझे मज़ा आता है लॉ के बारे में पढ़ना। नहीं नहीं लॉ तो मैंने था। किसी की मारने के लिए पढ़ा था ओके <laughs> 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 okay, अब समझाओ ये इंटरेस्टिंग लग रहा <laughs> है। क्यों लॉ स्टार्ट किया क्या करा भाई जब मेरा केस हो गया एयरिशा का तो लॉयर्स वो बेचते थे अपनी क्या के, केस हो गया भाई केस ही हो गया कि आ, मैं ऐसा था कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने बहुत बार पोस्ट पे इंटरनली मेल पे मैंने कहा सर ये ना मुझे ऐसा लग लगता है कि थोड़ा सेफ्टी इशू आप एक बार इसको देखो बहुत बार मैंने इसे फ्लैग किया को को अगस्त में भी किया फिर दिसंबर में भी किया पुणे में एक नया टैक्सी बना था वहाँ पर हम लोग क्योंकि एयरफोर्स भी सर नया बना था घूम के आते तो हमारा बड़ा जहाज़ है जो एयरफोर्स के होते छोटे जहाज़ होते हैं तो उनका टर्निंग रेडियस कम है हमारा ज़्यादा होता है तो रात को वहाँ लाइट नहीं लगी थी भाई कभी कभी करा ना चलता होता चलता है चलता है तो आपने अगर कोई कंप्लेन की मैं उन लोगों को राज वो पंद्रह लोग तो नहीं कर रहे तुम्हें दिक्कत है क्या वो भी तो काम कर रहे हैं बट देर इज़ समन हू हैज टूट हाँ तो मैंने ऐसे किया कि किसान तो रात को ना मैं लाइट नहीं होती तो दिखता नहीं आपका लेफ्ट मेन गेयर वाइट लाइन के अंदर है कि बाहर है तो कुछ, कभी कुछ एक्शन नहीं हुआ उस पर तो फिर आ, वहाँ पे पॉलिसीज ऐसी थी जो कि बाकी एयरलाइन से डिफरेंट थी बिकॉज आई वाज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एयर एंड आई वाज यूज्ड टू इट तो वहाँ पे था कि अगर जैसे अब यार पता है पायलट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या भाई आपका सैटरडे संडे नहीं होता अब राज मान लो सैटरडे को आपकी घर में शादी है ठीक hmm. है तो आपकी वो प्लैंड ऑफ आपने मांगा उन्होंने दे भी दिया नाउ सिकनेस तो भाई बता के नहीं आती ना फटीक बता के आता है सिटिंग है टुडे आई कैन नॉट रिपोर्ट सिक फॉर नेक्स्ट फ्राइडे आई कैन ओनली रिपोर्ट सिक फॉर टुडे और टुमोरो आई विल आई आई डोंट नो व्हेन अगले फ्राइडे हाँ, तो हाँ. की तो आज मान लो वेन्सडे आपकी सैटरडे की शादी थी आपने आज बोला कि आई एम नॉट सिक आई एम नॉट वेल आई एम रिपोर्टिंग सिकम फर्टी फॉर वट एवर रीजन आई डोट नॉट फ्लाई तो आज की सिकनेस को आपका ऑफ कर देंगे और सैटरडे का ऑफ को आपको वर्किंग लगा देंगे तो यार सोशल लाइफ का क्या आपकी एंड दैट कमिटमेंट ऑफ नॉट फुलफिलिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इट विल कॉस स्ट्रेस इन योर हेड और यू विल ट्राई टू मेक इट समू इज यू नो दिस पॉलिसी यू विल ट्राई टू फ्लाई वेन यूर सिख नॉ देट कम्स अ प्रॉब्लम Hmm. और ये कोई समझना नहीं है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आ, ये बीमार हो फोकस नहीं ध्यान बीमार हो फटीक हो आप देखो पता है राज सर्वे हुआ था मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द पायलट स्लीप इन द कॉकपिट बिकॉज दे आर सो फटीक गूगल कर ले एंड दिस इज अ स्टोरी विच नो पायलट वुड टॉक अबाउट आई एम नॉट फ्लाइंग विद एनी एयरलाइन सो आई कैन से इट कोई पायलट आपको बताएगा नहीं सब बोलेगा सब चंगा भैया वो बंद दरवाजे के पीछे सब चंगा है क्योंकि उसको पता है कोई बात करेगा तो कंपनी में आ गई भैया जरा ऑफिस आओ कॉफ़ी पीते mm. साथ में बैठ के बट आई नो वट हैपन्स बिहाइंड द क्लोज डोर ऑफ अ कॉकपिट वेन वो एक बोर्ड लगा होता है लीव योर ऑल वरीज बिहाइंड दिस डोर वो उससे कुछ ऐसा नहीं था वो बोर्ड ही निकाल दिया अनदर वे टू टैकल द प्रॉब्लम बट इट्स अज्यूम दैट यू शूड नॉट टेक एनी थिंग इन साइड द कॉकपिट यार जब आप ग्राउंड पे हो ना तो आपके पास राज दस रिसोर्सेज हैं आपके सामने आईपैड रखा है एक लैपटॉप है एक फ़ोन है गूगल है आप कुछ भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो मिनट में निकाल निकाल, निकाल है। सकते हैं हाँ। जब ऊपर प्रॉब्लम होती ना तो दो लोग होते हैं खाली लेफ्ट में कैप्टन राइट में फर्स्ट ऑफिसर फर्स्ट ऑफिसर तो वैसे ही ऐसे बैठा होता है तो कोई प्रॉब्लम होती है ना फर्स्ट ऑफिसर देखता है सर बताओ क्या करते हैं और वो बंदा अकेला होता है ऐसा बोलते हैं कि वैन वैन वेद द फर्स्ट ऑफिसर सीज़ ऑन इज लेफ्ट ही सीज द कैप्टन सो इज रिलीव बट वेद द कैप्टन सीज़ ऑन द लेफ्ट इन द मिरर ही सीज ओन इमेज तो भाई वही है कोई आपके सामने गूगल नहीं है कोई हेल्प नहीं है किसी से बात नहीं कर सकते आपको अपना डिसीजन लेना एंड इमेजन एट एट दैट पॉइंट इफ यू आर फटीग्ड तो क्या होगा सो <coughs> so, वो ऐसे ऐसे तीन चार इश्यूज़ थे जो मैंने फ्लैग किए थे फिर कोविड hmm. में था कि जो डी डी के रूल्स आ रहे हैं hmm. वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे और और भी एक दो इश्यूज़ थे तो वो रेज किए मैंने फिर उसमें कुछ हुआ नहीं आ, मैंने डी डी को भी लिख दिया डीडीसी hmm. को लिखा तो भाई आपके ऑफिस में अगर कोई कंप्लेन करता है तो एटलीस्ट आप आपज तो करोगे ना exactly. कि भाई ठीक है वी विल लुक विंट डोंट वरी हम एक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं बट डीडीसी ने एक्नॉलेज भी नहीं किया well, ठीक आज, है. तक you, आज तक की डेट में वेन आई से आज तक एक्नोलेज नहीं किया फिर आई हैड नो चॉइस आई हैड टू मेक अ वीडियो बिकॉज इट वॉज अबाउट सेफ्टी ऑफ पीपल एंड ये ज्यादा चल रहा था वेन आई मेड दीडियो देन फर्स्ट टाइम डी डी सी के एमआउट ऑन ट्विटर तो उन्होंने वहां एक्नॉलेज किया मेल पे अभी तक नहीं किया भाई मेल पे अभी तक नहीं किया ट्विटर पर तो वो हुआ केस फिर वो देन आई फ्रॉम द कंपनी एंड वो फिर केस चला देन वो जब केस आता था जब लॉयर्स लेके भेजते थे अपनी लिंगों में hmm. वो, uh, तो मुझे कम समझ में आता था भाई थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो मोदी जी ने कहा था किसी ने कहा था थोड़ा ऐसा सिंप्लीफाई करो कि आम जनता को समझ में आए भाई तुम्हारा केस चल रहा है और तुम वो पेपर पढ़ के मतलब ही नहीं निकाल सकते हो क्या बोलना चाह रहे हैं ओनली द जज विल अंडरस्टैंड और द एडवोकेट विल अंडरस्टैंड आपको कम हवा लगेगी वो आपको बताएगा ब्रीफ आप आप, आप, आप कोर्ट जाना आप जज के सामने खड़े हो जाना वो आपके केस की सुनवाई कर रहा होगा सर क्या कह रहे हैं <laughs> नहीं समझना आपको भाई बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज वेयर ओनली पीपल हैव स्टडीड विल अंडरस्टैंड ट्रू ट्रू तो वो केस था मुझे लगा यार मुझे पढ़ना चाहिए बिकॉज जो मेरे साथ बीती है जो आप बीती है ना वो जो सफरर है वही बता सकता है सबसे बेस्ट hmm. और कोई नहीं बता सकता क्योंकि किसी के घर में अगर संबडियस वो दुख वही बता सकता है जिसके सामने खड़ा होकर मे बी एन एडवोकेट जिसका काम है वो अच्छा से कर सकता है बट hmm. वो नहीं बता सकता कि क्या लॉस हुआ कैसे, कैसे, कैसे हुआ वो, कैसे, वो, कैसे हुआ तो मैंने उसलिए स्टडी करा कि मुझे जानना है कि जिस एफिडेविट में साइन कर रहा हूँ जा क्या रहा है हाउ कैन आई बींग पायलट क्योंकि पायलट एक टेक्निकल फील्ड है hmm. तो मोस्ट ऑफ़ द लॉयर्स आर नॉट एविएशन लॉयर्स क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए hmm. तो मैंने कहा आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट मोर एंड हाउ कैन आई पुट माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस टेक्निकल फील्ड इन टू लॉ उसको प्रजेंट कैसे कर सकता हूँ मैं भाई वो केस चला मे में हमने किया था डी डी सी ए ने इंक्वायरी बिठाई है रेशा पे एंड वी फाइल एन आर टी आई कि क्या हुआ तो उन्होंने आर टी आई रिकॉर्ड दिया कि हाँ इंक्वायरी हुई थी एंड भाई फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डी ने कोई पोस्ट होल्डर्स को सस्पेंड किया है ऑन अ सेफ्टी कंसर्न जो कि मैंने हमने सेफ्टी कंप्लेट की थी और वो पूरा आर टी आई में उन्होंने लिख के दिया कि ऑन ऑन दो ये हमारे पास सोना लग गया सोना hmm. ये डॉक्यूमेंट सोना लग गया भाई hmm. भाई एक मेरे सब्सक्राइबर हैं आज मैं उनको थैंक यू बोलूँगा निहाल नाम है उनका hmm. उन्होंने वो आर फाइल की थी hmm. मुझे पता भी नहीं था और जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने आरटीआई आंसर की उन्होंने कहा क्या ही ये आरटीआई कर देते आंसर उन्होंने कर दी और वो मर गए भाई उसके बाद क्या था उसमें वॉट एक्शन हैव यू टेकन ऑन द कंप्लेन ऑफ कैप्टन गौरव रेजा उसने कहा कि अनप्लान ऑडिट वॉज कंडक्टेड फॉर हे रेशा सो एंड सो वो रॉन्ग जो भी पाया गया एंड चीफ ऑफ ऑपरेशन एंड चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी वर सस्पेंडेड तो बाकी क्या लॉ एक ऐसी चीज है ना बहुत घुमा सकते हो कोर्ट में है ना तो उन्होंने घुमाने की कोशिश की यार वो सस्पेंड हुए थे बट अलग रीजन से हुए थे इसकी कंप्लेंट पर नहीं हुए थे डी डी ने पहले एक नॉलेज नहीं की कंप्लेंट और वहाँ मर गए मर गए भाई गंदा मर गया तो वैसे ये पूरा उसके लिए लॉ पढ़ा पूरा उसके लिए लॉ पढ़ा फिर इंटरेस्ट आ गया भाई उसके बाद वो छूट क्यों गया छूट इसलिए गया भाई क्योंकि अटेंडेंस के बड़े पंगे होते हैं यार सत्तर परसेंट चाहिए आपको एग्जाम में बैठने के लिए पहले तो सेमेस्टर कर ली मैंने तीसरे सेमेस्टर में गया तो मेरी सत्तर से कम रह गई मेरी रह गई चौवन तो फिर मुझे बैठने नहीं दिया गया और पढ़ाई तैयारी मेरी पूरी थी हाँ। वो सी वाला था सी आर एविडेंस लॉ वाला एग्जाम था मेरा पूरा पढ़ के गया पिछले साल कौन से क्वेश्चन आए सब तैयार व्यूर करके एडमिट कार्ड नहीं आया बैठने नहीं दिया गया क्योंकि अटेंडेंस अटेंडेंस नहीं थी अब भाई एक एक बेसिक चीज जैसे लोग इसके बारे में बोलते हैं कि आप क्यों छोड़ दिया आपने एक सीट बर्बाद कर दिए वो कर दी लॉ पढ़ के मैं कभी भी उतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा जितना मैं अभी कमा रहा हूँ ठीक है अदर बिग शॉट्स ऑफ इंडिया जो कि मतलब हरीश हरीश मतलब वो कभी नहीं आप बन पाएंगे क्योंकि आप मेन काम कुछ और है आपने पढ़ाई किसी और चीज के लिए की थी तो अब मुझे काम आ गया जैसे मुझे मुंबई जाना है शूट के लिए या चेन्नई जाना है कुछ काम आ गया ब्रांड इज पेइंग मी टू डू दैट जॉब तो मुझे लगता है यार आई हैव टू लुक फॉर माई फैमिली एंड फर्स्ट जॉब में ही बड़े डन करूँ अपने बच्चों के लिए वो बड़े हो रहे हैं उनका फ्यूचर सिक्योर करना है एजुकेशन महंगी हो रही है रहना खाना महंगा हो रहा है तो पहले मैं वो करूँ तो वो करने जाता तो फिर यहाँ अटेंडेंस छोड़ जाती है भाई mm. तो या तो मुझे बस एग्जाम में बैठे तो फिर मैं फोड़ लूंगा मुझे इतना mm. है mm. उतना वो खाड़ लूँगा मैं बट वो चीज़ हो गई प्लस मुझे लगा कि चौवन परसेंट करी सत्तर दिनों पर एग्ज़ाम बैठने था। वो चौवन परसेंट बर्बाद हो गए मेरे यार मैं सचा फिर वो दो नहीं जाता <laughs> दो ब्लॉग बना के एक्स्ट्रा मैं कमाई लेता फिर यार तीन ब्लॉग बना के दूसरी दिक्कत आ, राज राजस्ट गोडू कॉलेज वो सब वहाँ पे इक्कीस बाईस तेईस के हैं मैं थर्टी सेवन को थोड़ा तो सा मेरा कनेक्ट नहीं बैठा ओके प्लस सोशल सर्कल में हाँ मुझे लगा कि मैं जाके मजे करूँगा मुझे लगा कि मैं कॉलेज लाइफ दोबारा जीऊंगा मैंने हारले ले ली मेगा मस्त

संबोधित करते थे आज भी संबोधन में <laughs> कैसे संबोधित करते हैं बताओ <laughs> <laughs> वो संबोधन वही है उनका तो बट वो वो एक और था कि मेरा फिर मन ही नहीं किया जाने mm -hmm. का कि मुझे बोझ लगता था दूसरा चीज़ कि कॉलेज में ऐसा होता है भाई सुबह नौ बजे गए नौ से दस क्लास है दस से ग्यारह खाली है mm -hmm. फिर एक और कुछ नुक्कड़ नाटक हो गया फिर चलो चलो आज सब लोग वहाँ लाइब्रेरी में जाके वो करेंगे तो यार मेरे को जमा नहीं बिकॉज

तो वो चीज़ थी प्लस आ, एक ये भी था यार कि ये चीज़ है कभी एक्सप्लेन नहीं की व्लॉग में क्योंकि लगा शायद लोग शायद ना समझें क्योंकि और भाई रियल लाइफ ना ऐसे ही होती है छोटी छोटी दिक्कतें होती ही रहती है आप जब और ये कंटेंट क्रिएटर के साथ ज़्यादा है क्योंकि आप उसका रोज़ का दिन देख रहे हैं hmm. जब आप एक सक्सेसफुल स्टोरी सुनते हैं किसी ऑनट्रप्रीनर की जो सक्सेसफुल हो गया मैं वो भी वो भी सात आठ बार फेल हुआ होगा फिर फिर वो उसने अचीव किया एक बना ली यूनिकॉर्न आपको यूनिकॉर्न की स्टोरी बताया तो अगर मैं लॉ नहीं कर पाया या कुछ दिक्कतें थी तो ये मेरा फेलियर हो गया बट सबको पता है इसके बारे में हाँ। है ना तो पीपल ओपन है, है और पीपल क्रिटिसाइज करेंगे शायद उसके बारे में बट हाँ अगर खोल के देखोगे नीचे ना तो लाइफ थोड़ी सबकी ऐसी ही है दस बार फेल होते हो एक बार सक्सेसफुल होते हो दिस इज रियल लाइफ होता है एविएशन में होक्स का क्या मतलब होता है मेरे को ये समझाओ पहले भाई होक्स मतलब कि आप फ्लाइट पे जा रहे हो आपने कॉल कर दिया किसी को भी एयरलाइन को एयरपोर्ट को और आपने कुछ बोला भाई इस फ्लाइट में बॉम्ब है पहली बात तो अगर आप एयरपोर्ट पर हैं तो बॉम्ब शब्द अपने मुँह से ना ही निकला तो अच्छा है क्योंकि आपको वहाँ आप पकड़ के बैठा लिया जाएगा और आपसे पूछताछ जो कि अच्छी खासी ओके okay. अगर कोई बच्चा भी मस्ती मस्ती में फ़ोन कर दे कि ये फलाना दिमाग का एक होता है कि आपने प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दी एक होता है नॉन प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दी ओके प्रिसाइज दे दी कि भाई इस एयरलाइन की शाम की दिल्ली मुंबई फ्लाइट में बॉम्ब है नॉन प्रिसाइस हो गए कि भाई आज दिल्ली से जो फ्लाइट टेक ऑफ करेगी शाम को उसमें बॉम्ब है अब पता नहीं किस एयरलाइन में है इंटरनेशनल में डोमेस्टिक में तो हर चीज़ का प्रोसीजर है बट देन एवरी इंफॉर्मेशन विच यू रिसीव आप उसको एक राइट right इन्फॉर्मेशन मान के ही आप काम करते हैं एज इफ की वो ट्रू इंफॉर्मेशन है वो तो मजाक भी बोल दे कोई बोल अगर रैंडम किसी के भी ऑफिस रस्ते में चलता है बच्चा बोलते ही मानेंगे कोई ऐसा बोलते हैं ना मैं एक मजाक की बात बताऊँ आपकी ट्रेंड में बॉम्ब है भाई उसको भी सच मानेंगे मानना पड़ता मनना ये है प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल है अब आप, आप कल को कुछ हो गया तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या तो डिपेंड करता है कि फ़्लाइट के दरवाजे बंद होने के बाद वो आई है पहले आई है या कैसे आई है तो फिर पूरा दोबारा सब कुछ एक प्रोटोकॉल होता है चेकलिस्ट होती है पूरे जहाज़ को खाली कराओ जो केटरिंग वेटरिंग हुई है पैसेंजर वैसेंजर बैगेज वैगेज सब सब कुछ चेक कराओ फिर दोबारा से प्रोसीजर्स होंगे फिर वो बंदे चढ़ेंगे एक बार कहता कोलकाता से कोई बंदा था वो फ्लाई किया पर्टिकुलर एयरलाइन से उसने पानी मांगा कैबिन क्रू से उसने पा पानी शायद नहीं दिया उसने पास बाद में देती हूँ भूल गई लैंडिंग आ गई थी कुछ भी था भाई उसने लोड ले लिया उस बात का पानी कैसे नहीं दिया हाँ मुझे पानी कैसे नहीं दिया मैंने पूरे पैसे देखे टिकट के यार <laughs> <laughs> मैंने पूरा पाँच हज़ार रुपये दिया पानी नहीं दिया पाँच हज़ार रुपये में वो उसने अगले दिन गया वो उसने कॉल कर दिया कि आपकी इस फ्लाइट में बॉम्ब है बाइक पर तो पूरा हुआ फिर उसको ट्रैक किया गया उसको ले आया उसका बिठाया केस वेस चलता है यार अच्छा तो हाँ, अगर आप ऐसे हाँ, मन से मस्ती बोल दिया कि भाई तुम्हारे पे बॉम्ब है हाँ तो हाँ, मेरे को जेल हो जाएगी केस हाँ, हो जाएगा हाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा सब कुछ होगा अनलेस ये लॉ में भी होता है आप कुछ भी करते हैं तो आपको अनलेस यूर ऑफ अ अनसाउंड माइंड ओके हाँ।, हाँ तो फिर आपके ऊपर कुछ लाइबिलिटी नहीं बनती हुँ, हुँ, हुँ। ना क्रिमिनल ना सिविल कुछ भी नहीं मिलेगा बट इंटॉक्सिकेशन में मिलता है कि दारू पी के किसी ने बता दिया तो मेरे ख्याल से वो जज करेंगे कितना हाँ मिलेगा भाई मिलेगा

होगा क्या मतलब कैसा होता है मेरे को एक बार खोल के मेरे को नहीं देखना ऑब्वियसली बहुत डर होता है था 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 था। मैं बड़, बड़ा ऐसे देख के लगता है खोल के देखें क्या होता है क्या होगा हो एक बार खोलेगा कि नहीं खुले मेरे को तो बस यही देखना है कि भले खड़ी हुई फ्लाइट में एक बार खोल के देखूँ क्योंकि मैं इधर बैठता हूँ तो जब इमरजेंसी hmm. होगी तो खुलेगा कि नहीं, <Huhmm> नहीं खुलेगा खुलेगा कि नहीं खुलेगा बट एयरक्राफ्ट में सब चीजें चल रही होती तभी वो क्लियर होता है ऐसा है तो ऑब्वियसली पर मेरे को है कि अगर किसी ने खोल दिया तो क्या होता है भाई वो कुछ नहीं होगा वो एक बड़ी सी वो इनफ्लेट होगी स्लाइड बाहर और बाहर जाएगी और फिर बस आपकी लग जाएगी फिर आपको बैठा लिया जाएगा भाई करा क्यों एक्सप्लेन करो आप वो इट्स ऐसा लॉस हो है एयरलाइन बहुत लॉस है मतलब फ्लाइट तो डिले हो गई हो गई हो गई वो फिर दूसरा जहाज़ जाएगा उसको फिर वो इट इज नो गो एयरक्राफ्ट देन क्योंकि वो okay. खुल गया ना उसका ओके okay. क्योंकि जो आप देखो जब आप जिस दूर से एंट्री भी करते हो मैं यू एंटर एयरक्राफ्ट

Case है क्या कुछ कुछ तो फाइन वाइन है बीच में कंट्रोवर्सी भी हो गई थी किसी मंत्री जी ने खोल दिया <laughs> मंत्री जी बैठे उन्होंने खोल दिया <laughs> उसके अगले दिन फिर किसी एक नॉर्मल आदमी ने खोल दिया तो वो फिर बात हो गया था कि यार उनको कुछ नहीं कहा इसका न्यूज बना दिया ये तो केस so है थोड़ा उस सा उसको फिर लोग पॉलिटिकल भी ले गए थे बट हो जाता है लेकिन कर देते लोग मतलब यार बोलते ना इफ़ यू हैव थाट की सम कैन गो रॉन्ग भाई यकीन मना वो हो चुका है। <laughs> वो हो चुका है ओके टेलमी वन थिंग बड़ा कॉन्सेप्ट है यूएस बड़ा कॉन्सेप्ट इंडिया में बन रहा है माइल है क्लब कि तुम ऊपर फ्लाइट के अंदर तुम मेकआउट करो या किसी के साथ आप सेक्चुअली uh, एक्टिव हो जाओ मैंने अभी देखा रिस ट्विटर देखा पर रिसेंटली देखा आपने भी वही देखा है? नहीं मैंने नहीं नहीं नहीं, नहीं, देखा, मैं देखा। बट ऐसे आपसे एक्चुअली एक्टिव हो जाओ तो पनिशेबल ऑफेंस है कि आप किसी के साथ मेकआउट वगैरह नहीं कर सकते बाथरूम में जाके आप और कोई एक और आपका पार्टनर साथ में बाथरूम के अंदर बन जा नहीं सकते कुछ कर नहीं सकते ये अगेंस्ट द लॉ इसे वैसे डराते हैं भाई जब एयरक्राफ्ट का डोर क्लोज है ना तो कैप्टन ऑफ द फ्लाइट इज़ द लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑफ दैट फ्लाइट ओके अगर आपके फ़्लाइट में होम मिनिस्टर बैठे कंट्री के तो उस समय उनकी बात नहीं मानी जाएगी कैप्टन की बात मानी जाएगी उतर के फिर वो केस रिवर्स हो जाएगा <laughs> और सारा आपने जो किया वो लेट्स नॉट गेट नेशन दैट बट नॉट द बुक सेज कि कैप्टन इज़ अ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर अगर वो कुछ कहता है तो उसका माना जाएगा कि उसने जो बोला वो लॉ है तो उसी की बात मानी जाती है अब बस ये है कि यार आप किसी दूसरे पैसेंजर की सेफ्टी को एक हैज़र्ड नहीं बन सकते <laughs> बहुत बार आप देखोगे क्रू और पैसेंजर झगड़े में लग जाते हैं या कोई इंटॉक्सिकेटेड पैसेंजर आ जाता है वो लड़ा, अगर वो लड़ाई करने लग गया तो कैप्टन हैज द राइट क्रू इवन हैज द राइट इसको ऑफ लोड करते हैं ओके okay. वो क्यों ऑफ लोड कर रहे हो उसको उसने कुछ किया नहीं बिकॉज आई बिलीव दैट वेन वी आर इन फ्लाइट दिस गाय कैन अगेन गेट वायलेंट एंड ही कैन पोज अ सिक्योरिटी टू माई शिप तो उस मैसेज पर उसको और कोई इंटॉक्सिकेटेड भी आता है तो उसको भी आप प्रोफाइलिंग होती है जो क्रू खड़ी होती है ना उसके बहुत सारी ड्यूटी hmm. होती है लोगों को लगता है वो सिर्फ शायद सर्व कर रही है आपको एक टी और कॉफी बट उनकी जॉब बहुत ज्यादा उनसे hmm.

और तुमने यार एयरपोर्ट पे लाउंज बना रखी है बाहर बना रखे वहां तो से लेके आ रहा उसको तुमने अपलोड कर दिया तो इट इज कमर्शियल कमर्शल नहीं मैं बुरा था इसका मैं क्यों बताऊँ की अगर मैं एक बाथरूम में जाता हूँ और वहां पे मैं किसी लड़की से चुपचाप चुप करो बिना आवाज निकाले तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ लिखा है किताब में अच्छा कि तुम्हें ऑफलोड कर दिया जाएगा ओह कुछ किताब में ऐसा नहीं लिखा यूजअली ऐसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स में लोग बोलते हैं कि ठीक है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तुम जाके कर सकते हो तो, नहीं लेकिन लोग फिर प्रॉब्लम होती है उसमें रकस क्रिएट कर देते हैं अगर तुम तुम्हारी एक वो पर्सनल स्पेस है अगर इसको आप तुम, तुम लॉक इन जैसा देखोगे पर्सनल स्पेस है वहाँ तुम प्राइवेट अगर कुछ काम कर रहे हो नो हैज़ एनी बिजनेस जब तक तुम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे किसी की सेफ्टी को जैपडी में नहीं डाल रहे तो ओके okay, इंटरेस्ट कुछ नया रूल आ गया तो पता नहीं बट ओके okay, लास्ट तक मैं चार तीन चार साल पहले तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था ओके दैट्स वन सेकंड मुझे बताओ कि ये टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे ही हमसे वो क्यों खुलवाते हैं भाई ताकि बाहर दिख सके ना क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कब होते हैं टेक ऑफ एंड लैंडिंग अगर इवैक्यूएट करना पड़े ओपन दिस डोर अनलेस द कैप्टन तो अगर करना पड़े तो भाई किस साइड निकलना अगर फायर हो गई तुम्हारे लेफ्ट इंजन में फायर है और तुम सला वहीं डोर खोल के खुद के लेफ्ट के ऊपर <laughs> तो फिर <laughs> तो इसलिए तो सारे विंडोज हाँ के शेड खुलवा देते हैं वो ताकि किसी भी टाइम पे कैबिन क्रू देख सकता है कि लेफ्ट राइट में से किसी भी एंगल से और also, also, ये भी एनीथिंग विच हज विच कैन गो रॉन्ग हैज़ गॉन रॉन्ग एक इवेंट हुआ था काठमांडू में मैं ये नहीं कहूँगा किसकी गलती थी बट वॉट रॉन्ग राइट साइड की स्टार साइड राइट साइड की लैंडिंग एयर में आग लग गई कैप्टन ने बोला ऐसा शायद कैप्टन ने बोला इवैक्यूएट फ्रॉम राइट साइड तो जहाँ लगी वहीं पे लोग कूद गए इसीलिए ऐसा होता है कैप्टन नेवर टेल्स यू कि कहाँ से इवैक्यूएट करना ही जस्ट गिव्स अ कमांड इवैक्यूएट 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 एंड द क्रू डिसाइड्स कि कहाँ से करना है okay, ओके फिर एक मुझे एक बात बताओ कि एविएशन ना हम लोग ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं सबसे बारे में पूछता हूँ अल्टरनेटिव करियर के लिए सैलरीज और उस पर तो कितनी एक पायलट की इंडिया में सैलरी कितनी होती है पायलट बनने में पहले तो कितना टाइम लगता है भाई अगर तुम मेरी तरह तोड़ो जल्दी बन जाओ <laughs> <laughs> नहीं मजाक नहीं कर रहा <laughs> कितना टाइम लगता है चलो जीरो से आज मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं एक नॉर्मल एवरेज इंसान को कितना लगता है पायलट की पढ़ाई करना थर्ड दिसंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन वॉज में फर्स्ट फ्लाइट एवर ऑन अ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट फिफ्टीन दिसंबर आई डेट में सोलो सोलो मतलब अब इंस्ट्रक्टर ने आपको छोड़ दिया अब अकेले जाके एक चक्कर मार के आ जाओ दैट इज नॉट अ लाइसेंस बट जस्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ लो पंद्रह दिन में हाँ और पंद्रह या तेरह जनवरी को मेरा पहला लाइसेंस मेरे हाथ में आ गया था मतलब आई डिड डेट सब मिला के आठ महीने में मैंने छः आठ महीने में कर लिया था बिकॉज राज मेरे को बहुत इंटरेस्ट था करने में मतलब मैं और आई का बैकग्राउंड था तो भाई ऐसा भी होता है कि अब ये रन है आपका विंड यहाँ से आ रही है एंड यू टेक ऑफ ऑपोजिट टू द विंग इन हेड विंड आप टेक ऑफ करते हैं बट लाइफ तो आइडिया है नहीं कभी कभी ऐसे भी आएगी नाइन्टी डिग्री तो आएगी नहीं कभी कभी थर्टी डिग्री में आ रही है कहीं से भी आ सकती कहीं से आ सकती है तो आपको कॉम्पोनेंट निकालना है कि उसमें हेडवेंट काम्पोनेंट कितना है कॉस्ट थीटा और क्रॉस विंड कितना है तो क्रॉस विंड में करेक्शन देना पड़ेगा और हेडमेंट का आपको एडवांटेज मिलेगा भाई ये अपने को बेसिक है अपना इतना साइंस पढ़ा है कुछ नहीं है हुँ. लेकिन अब लोगों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा वो उसको सीखने में टाइम लगाते हैं मेरे को हाँ टाइम तो लग, लग जाएगा तो मतलब इतना भी नहीं है बट हाँ तो मेरे को वो सब एक एडवांटेज था तो दे आई लैंडेड इन यूएस तो मेरे को सब आता था मैं अपने नोट्स वोट बना के लेकर था मैंने इंस्ट्रक्टर को दिखाया मैंने कहा सर मैं मैं वो करना चाहता हूँ मैं को जस्ट आप साइन ऑफ देते तो यू नीड अ साइन ऑफ फ्रॉम इंस्ट्रक्टर आई एव टॉ टेम वट एवर इज रेडी टू गिव दर एग्जाम सो दट यू डोंट गो एंड फ्लंक योर एग्जाम इट्स सिस्टम के ऊपर बर्डन ना पड़े मैं गया मैं पहले दिन टक 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 सारे एग्जाम क्लियर मेरे फिर मेरी बची फ्लाइंग फ्लाइंग लोगों को क्या तो लोगों की फ्लाइंग हो जाती है एग्जाम ही पास नहीं होता लोगों से भाई लोगों से एग्जाम पास नहीं होता है इसलिए उनका डिले आता है तो इफ़ यू आर गुड विद इन वन ईयर यू कैन कंप्लीट योर कोर्स कमर्शियल पायलट लाइसेंस वन ईयर एक साल और दो महीना तीन महीना और लोगों ने दो ढाई साल भी लगाए हुए हैं अच्छा एवरेज हो तो दो साल तोड़ू हो तो एक साल डेढ़ साल में हो जाएगा अगर अच्छा, बाहर से करो इंडिया में टाइम ज्यादा लगता है ओके इंडिया में थोड़ा प्रोसेस स्लो है क्यों इंडिया में कितना टाइम लगता है इंडिया में दो साल लग जाएगा आपको डेढ़ दो साल लग जाएगा ओके तो इंडिया में कितने की पढ़ाई होती है पायलट बनने के लिए भाई आई थिंक अभी इनिशियल सी लेने के लिए आप कम से कम अपनी जेब में पचास पचपन लाख साठ लाख लेके चलिए इंडिया में दो साल में पचास लाख पचपन लाख आपको पचपन साठ लाख लेके चलो ओके okay. और उधर बाहर बाहर कम हो जाता है पैंतीस चालीस में हो जाएगा बाहर कम में होता है हाँ और इंडिया में ज़्यादा में जादा होता, होता, है। होता है ऐसा क्यों भाई क्योंकि जो जहाज़ आया वो बाहर से तो आया है अच्छा वो इम्पोर्ट ड्यूटी लग गया फ्यूल भी तो बाहर से आ रहा है सब कुछ बाहर से आ रहा है आपका तो महंगा है आ, पर आवर जब मैं करता था फ्लाइट तो बाहर सात हज़ार सात हज़ार रुपये का था यहाँ पे तेरह चौदह हज़ार का था डबल तो आर्ली रेट मिलता है देर इज़ नो क्या आपने ऐसा सेमेस्टर फीस नहीं है hmm. कि चार साल में इतना ही लगेगा प्लेन उड़ाने का घंटे का 200 घंटे फ्लाई करना है आपने 200 250 जो भी जहाँ का रेगुलेशन है हो सकता है आप तीन में सीखो हो सकता है आप दो में सीखो ढाई सौ से तो कम चांस hmm. ही नहीं है वो तो मिनिमम hmm. रिक्वायरमेंट है बट हाँ सो जो लोग सोलो करते हैं कुछ लोग पंद्रह घंटे में सोलो करते हैं कुछ बीस में करते हैं hmm. कुछ जिसका जैसा रेट ऑफ लर्निंग है वैसा होता है तो हाँ ये इतना डिफरेंस है बट अभी आज की डेट में वो साठ लाख लगाने के बाद कोई आपको जॉब नहीं देगा आपको उसके ऊपर से टाइप रेडिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी बिकॉज वैन वैन यू लर्न यू लर्न इन स्मॉल पिस्टन इंजन फोर सीटर एयरक्राफ्ट जो आप जिसमें हमने आसमान में भारत वाला किया था छोटा सा ठीक है नाव यू हैव टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ बिग जेट तो उसकी ट्रेनिंग भी आपको अपने पैसे से ही करनी पड़ी, पड़ी है कितने पैसे लगते हैं उसमें बस उसमें हमने जब किया था तो हमें लगे थे हमने स्पेन से की थी हमें लगे थे तेरह लाख वीज़ा खाना में लगा के सोलह सत्रह लाख में हमारी हो गई थी आज की डेट में लगा लो आई थिंक दिस आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट मनी बट पच्चीस तीस लाख से लेकिन बोलते हैं, हैं वो ये मिला के वन पॉइंट टू सी आप रखो जेब में पायलट बनने के लिए बाहर से करना होता तो। कि यहाँ से भी करना हो यहाँ से भी करना हो यहाँ से वन पॉइंट टू सी आर रखो ओके और बाहर से करना तो बीस पच्चीस लाख का हो जाएगा हाँ बीस पच्चीस लाख सत्तर अस्सी में हो जाएगा तो ये और अब आपको लग गया आपने एक करोड़ खर्चा करके पायलट बन गए तो फर्स्ट सैलरी कितनी लगती है फिर भाई हमारे तो बहुत कम लगी थी मेरी फर्स्ट सैलरी लगी थी साठ की एक करोड़ रुपए खर्चा करके साठ हज़ार रुपए की पहली से तो हमने एक करोड़ नहीं खर्चा था ना हमने कम खर्चा था हाँ। बट फिर भी पहले ऐसा रूल था कि छः महीने तक आपको कम लगेगी फिर बढ़ेगी बट अभी स्लॉट्स होते हैं तो मिनिमम स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज सेवेंटी आर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पायलट तो इफ़ यू आर ऑन अ सेवेंटी आर कॉन्ट्रैक्ट आपकी छः साढ़े छः लाख की सैलरी बनती है आपके हाथ में कुछ फोर पॉइंट आ जाता है एरम बुक्स कट कटा के आ जाता है उतना बट इफ़ यू फ्लाई मोर सत्तर घंटे के ऊपर हर घंटा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आर मिलता है तो, तो सत्तर घंटे एवरेज अब एक महीने में उड़ाते हो आप हाँ सत्तर अगर आप कम भी उड़ाओ पैसे सत्तर के मिलेंगे आपको ओके okay. जैसे जो दिल्ली बेस्ड पायलट्स हैं हाँ। वो ज़्यादा उड़ाते हैं हम लोग जैसे सत्तर है तो सत्तर हमको कंपनी खींच ही देती थी कि भाई तुम सत्तर का पैसा दे रही हो सत्तर तो निकालो कोई जैसे छोटे बेस से पहले पुणे से थे भाई मस्ती में तीस घंटे फ्लाई कर रहे हैं मार रहे है। हैं सत्तर, सत्तर का आ रहा है तो सत्तर घंटे के पैसे कितने मिल जाते है साढ़े चार लाख पांच लाख पॉइंट टू फोर पॉइंट हाथ में आपके आ जाती थी मेरे टाइम पोस्ट टैक्स पोस्ट टैक्स एक्स कोई एक नब्बे घंटे का भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी लाया था हमने फिर वो लिया था शुरू हमको जब हम नए नए कैप्टन बने हमको लगा तो यार कमाते हैं पहले के शादी हुई नहीं है नए नए कैप्टन बने शौक पूरे करेंगे तो उसमें आ जाता था काफ़ी अच्छा था, था। तो पर मंथ की एक कैप्टन एक पायलट साढ़े चार से पाँच लाख रुपए कमा रहे हैं हाँ था। अगर आप एक्स्ट्रा फ्लाई, फ्लाई हाँ। कर रहे हो या आप आपने ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि आपको फ्लाई करना है इट इज़ द टाइम एट योर करियर कि आपको काम ही काम है तो फिर आप यू कैन मेक फाइव फाइना सिक्स तक कर सकते हो अगर जो अच्छा फ्लाई कर रहे हो तो पायलट की सैलरी साढ़े पाँच लाख रुपये तक पहुँच सकते हैं मैक्सिमम बट एवरेज अगर आपको जीवन जीना ढंग से साढ़े चार साढ़े चार और इंटरनेशनल में कितना होता है ये बटना नहीं ज़्यादा होता है बिकॉज वो फ्लाइट अलाउंस अलाउंस मिलता है आपको ओके okay. बट अब जो जो अपने बाकी कैरियर्स हैं उसमें यही जो मैं बता रहा हूँ स्केल है भाई एयर इंडिया का थोड़ा अलग ही साफ था पहले अच्छा। मतलब वो लोगों ने बहुत पैसा छापे एयर इंडिया में एयर इंडिया में ज़्यादा छापे बहुत छापे लोगों ने क्यों एयर इंडिया मतलब अलाउंस था इतना फिर वो वो लोग कुछ अलग से कुछ फंडा लगा के मतलब कैसे करते हैं बट हाँ मतलब मुझे ऐसा बताया लोगों ने कि लोगों ने छापे और एयर इंडिया था भी दिलदार पता नहीं क्यों था सात सात हजार करोड़ का हर साल का लॉस है बट था दिलदार कि हाँ कितनी एयर इंडिया में कैप्टन को भाई राजा राजा था वो उसकी बैग उठाने के लिए एक बंदा था भाई आई एम टॉकिंग दिस अबाउट दस साल पहले अब तो चेंज हो गया सीन बट राजा था और कप्तान ने बोल दिया कि ये बिजनेस क्लास में ये बंदा जाएगा तो भाई वो जाएगा जाएगा ना फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगी एंड कैबिन क्रू की कितनी सैलरीज होती है एवरेज मैं जितना जानता हूँ पहले जो लीड कैबिन क्रू है उनकी ज़्यादा बनती थी बट आई थिंक नाउ द सीन है चेंज राज उनकी उन बेचारे बहुत काम करते हैं उन लोग यार देर दे आर वेरी टायर्ड उनका खड़े रहने का काम है भाई जिनमें चार सेक्टर करें चार में खड़े ही खड़े हैं यार बैठने सिर्फ बता कब बैठते हैं वो टेक ऑफ ऑफर लैंडिंग विच इज़ फाइव मिनट्स एंड फाइव मिनट्स बेचारे खड़े हुए हैं भाई खाना नहीं खा पाते वो लोग मैं कभी कभी जैसे आई मीट ओल्ड कुलीग सर आपके साथ फ्लाई किया हुआ है हाँ मैंने कहा आई सी देम ना बिकॉज आई अंडरस्टैंड द जॉब उसमें भी कई लोग आते हैं सुना देते हैं आई फील फॉर देम मैं कुछ बोल भी नहीं सकता ठीक है, है मेरा कोच अब बोलने का बनता नहीं जरा मेरे इम्प्लॉय जस्टर पैसेंजर में मैं क्या बोलूँ बट आई टाइम सर वो अपनी जॉब ही कर रही है भाई खाने तक का टाइम नहीं उनको मील ऐसे पैक के पैक आते हैं पैक के पैक वापस चले जाते हैं दे हैव अ वेरी टफ़ लाइफ छोटे सेक्टर में तो सांस लेने की भी नहीं है मतलब आधे एक घंटे एक घंटा समय हाँ उसमें तो सांस लेने का टाइम नहीं है भाई उसमें तो बिल्कुल भूल ही जाओ बड़े सेक्टर में वो सर्विस करते रहते हैं फिर दो सर्विस करनी है फिर पचास अनाउंसमेंट भी करना है फिर ये भी करना है वो भी करना है बहुत तो और एक फ़्लाइट के बाद दूसरी फ्लाइट में टाइम नहीं मिलता ज़्यादा उनका अगर आप एक लो कॉस्ट हो तो आप अपने प्लेन्स का टर्न अराउंड तेज़ रखते हो उसी में आपका पैसा है इफ़ द एयरक्राफ्ट इज ऑन ग्राउंड यूर लूजिंग मनी सो तेज़ टर्न अराउंड का पैसा है थर्टी मिनट्स में टर्न अराउंड हो रहा है भाई जब हम लोग थे तो दिल्ली मुंबई थर्टी टू मिनट्स अराउंड था एम छोटे स्टेशन ट्वेंटी फाइव मिनट्स अराउंड चौकस ऑन टू चौकस ऑफ चौकस ऑन वैन यू पार्क ऑन द गेट यू पुट योर पार्किंग ब्रेक ऑन योर क्लाक यूर क्लॉक स्टार्ट टू टेक वहाँ से पच्चीस मिनट चॉक्स ऑफ होनी है आपकी तो भाई पैसेंजर निकलने में दस मिनट लग जाते हैं हाँ। तो फिर बच्चा कहाँ टाइम दूसरे पैसेंजर आजकल खड़े रहते हैं मतलब तो लाइन में दिखा रहता है हाँ। हाँ। कि वहीं पर तो है बस बच्चा कहाँ टाइम है आपके पास कुछ है ही नहीं टाइम आपके पास ना कप्तान के पास टाइम है ना इंजीनियर के पास टाइम है मैं कहूँगा कप्तान के पास फिर भी ज़्यादा टाइम है क्रूज से ज़्यादा टाइम कप्तान के पास है खा सकता है तो कितनी सैलरी होती है वैसे इतना काम करने का यार जो नए ज्वाइन कोट मी मतलब जो नए ज्वाइन कर रहे हैं तीस पैंतीस और लीड सत्तर अस्सी हाँ मतलब बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इतना रहता नॉट मतलब जैसा काम ने जितना जितना शरीर को तोड़ रहा। आप देखो, आप देखो तीस कोई तीस कोई ज्यादा साल काम नहीं करता सात आठ साल दस साल ग्राउंड जॉब देते फिर क्या करते हैं प्रोग्रेशन क्या है करियर ग्रोथ क्या होती है इसमें यार एयरलाइन में ग्राउंड जॉब पे आ जाओ आप उस बेस के मैनेजर बन जाओ ग्रूमिंग करो बाकी लोगों की आ, अपना कैबिन रोशन ट्रेनर्स बन जाते हैं ट्रेनर बन जाते हैं ट्रेनर बन, बन जाते हैं बहुत वो भी एक अच्छा जॉब है ट्रेनर बन जाइए आप तो वो अब गोल्डन गोल्डनर ऑफ एविएशन अब चला गया भाई जो लोग वो सोच के आ रहे हैं कि वो कैच मी इफ यू कैन मूवी देख के आ रहे हैं कि भैया यहाँ घूमेंगे एयरपोर्ट में मस्त कैप वैब हेड लगा के वो वो दिन चले गए खत्म बहुत मारा यार बहुत तो एक बात होता है कि एयरलाइन में ना हर एयरलाइन थोड़ा टाइम आती है दस बारह साल ना डूब जाती है मोस्टली हाँ, हाँ. एयरलाइन बिजनेस में यूजुअली कोई पैसे कमाता नहीं कमरी मतलब इंडिगो के पहले इंडिया में तो किसी ने प्रूफ नहीं किया एस सच जी जी, जी. Right, सब हार ऐसा है क्यों होता है कि एयरलाइन मतलब मैक्सिमम लोग लॉसेस में रहते हैं और एक एक जोक है इन इनसाइडर बिजनेस वर्ल्ड आपने सुना होगा कि एयरलाइन बिलेनियर कर्स होता है हा, 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 हर बिलेनियर को एक बार होता है कि मैं अपनी एयरलाइन खोलूंगा और उसके फिर उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है कि अपने इंडिया में सहारा ने किया था एंड हो गया विजय माल्या ने फिर स्टार्ट किया था फिर हुआ। फिर हुआ उसके बाद कलर नीति मरण जो सन टीवी के थे बहुत तो लंबा स्पाइस जेट शायद वो किया तो ऐसे ऐसा क्यों होता है कि भाई जो मैंने सुना है इट्स डिफिकल्ट लॉस मेकिंग बिजनेस तो फिर क्यों करते हैं अब पता नहीं भाई मतलब शादी भी तो करते हैं लोग सॉरी <laughs> <laughs> <Ouch. laughs> <Sorry guys, I, laughs> मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया इसे <laughs> पता ही होता लोगों को क्या एक्सपेक्ट कर रहे बट हैं, करते हैं होता है कि वो हाल है बट आई थिंक वॉट इंडिगो हैज डन इज़ कुछ अलग किया उन्होंने बाकी लोगों से सेल लीज बैक फार्मूला उनका है आई थिंक दैट इज़ मेकिंग क्या फॉर्मूला यस सेल एंड लीज बैक फार्मूला जो कि बाकी एयरलाइंस भी कर रही है सो so, क्या होता है ये फार्मूला तो आपने एयरलाइन शुरू कर दी है <laughs> सबसे पहले क्या चाहिए आपको जहाज़ बेसिक जहाज और पायलट क्रू तो आप परमिशन के लिए एयर ऑपरेटर परमिट पाँच मिनिमम जहाज़ चाहिए आप पाँच जहाज़ ख़रीद लाए आप एक्सपैंड कर रहे हो आप बात खरीद लाए मतलब ये नए लेता हूँ सेकेंड हैंड लेता हूँ जो भी कैसे भी सेकेंड हैंड लाओ चाहे नए लाओ आप खरीद लाए तो आप लेके आगे अपने पास अब आप वो आपकी लाइबिलिटी गई अगर आप और ख़रीदोगे तो और आप लाइबिलिटीज बढ़ा रहे हो तो मोस्टली फिर क्या करते हैं लोग क्या रेंट पे लेते हैं अभी आप देख रहे हो ग्रोथ ऐसे कर रहे हो भाई एक साल में पंद्रह चाहिए उसके बाद फिर बारह और चाहिए तो उस हिसाब से आप प्लान करते हो भाई ये गए इनकी एयरलाइन भी स्टार्ट नहीं थी कहते तो सौ चाहिए भाई साहब ढक्के वक्के एयरलाइन स्टार्ट नहीं हुई सौ चाहिए उसके बाद आया एक सौ अस्सी चाहिए फिर आए दो सौ तीस चाहिए अभी फिर एक और चार सौ हाइस्ट ऑर्डर इन्होंने मार दिया सो दे टेक एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस एंड वट एवर वर्ड इज़ दे हैव हैसेलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद द मैनुफैक्चर कि सौ एक्सम से ऑब्वियसली हाँ, जो प्राइस में मिलेगा वो पंद्रह हाँ, तो सब को सबसे ज़्यादा जो घसता है एयरक्राफ्ट में ब्रेक्स घसती है फ्यूल के बाद जब आप लैंड करते हो चट्र से मारते हो एंड हर कैप हर पायलट का अलग फ्लाइंग का टेक्निक होता है तो वो कुछ तेज मार रहा हो तो घस देते हो आप ठीक है तो आई थिंक वॉट आई टोल्ड की बाई सीनियर कैप्टन की इनके कॉन्ट्रैक्ट इतने अच्छा है कि इन्होंने फ्री ब्रेक्स का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है डुगाटी डुगाटी से से भाई से सेवाटी से जिसकी भी या चेंज हो गया होगा तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके पास तो इन्होंने सौ एयरक्राफ्ट लिए अब सौ के सौ तो एक बार में आते नहीं है बोलते हर महीने एक चाहिए तो इनके अब ओवर नेक्स्ट टेन ईयर्स इन्होंने एयरबस को लॉक किया हुआ कि भाई जहाज़ तुम्हारे अगर मैनुफैक्चरिंग से निकलेगा तुम्हारा यहीं आएगा और कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ऑर्डर इतने तो ना इफ़ राज शमानी टू गो ओपन एन एयरलाइन मैं नहीं कर सकता कर ही नहीं सकते आपने बिजनेस नाकिल कर दिया दूसरी चीज़ ये एयरक्राफ्ट खरीदते ही बेच देते हैं तो दूसरी बोइंग वगैरह से नहीं ले सकता ले सकते हो आप बट देन वो हॉट सेलिंग एयरक्राफ्ट होता है ना एक आ, जो कि एक परफेक्ट तीन चार घंटे वाली फ्लाइट के लिए है वो एयरबस के पास वो हाँ हाँ हा, के पास भी है बट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था एयरबस के एयरवे चल रहे थे अब हो गए शॉर्ट जो भी है ठीक है ये हो गया है हाँ दूसरा क्या एयरक्राफ्ट खरीदते ही बेच देते हैं फिर वहाँ से लीज दोबारा लेते हैं ये बेच देते हैं मतलब समझ आया अभी आज आज की डेट में आपने एयरक्राफ्ट लिया लेते ही वहाँ बेच दिया आपने लीजिंग कंपनी को हुँ. उससे फिर आप एक लीज बैक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आपकी लाइबिलिटी ख़त्म नॉ बिकॉज यू हैव फाइव हंड्रेड एयका साउंड ऑर्डर अब मान लो सौ रुपये का जहाज़ था भाई आपको मिल गया पिचासी रुपये का ठीक है उस लीजिंग कंपनी को सौ का ही मिलता हुँ. आपने पिचासी का लेके इसको पचानवे का बेच दिया ठीक है तो यहाँ आपने दस कमा लिए उसके पाँच कम गए लीजिंग कंपनी अब इससे आपने लीज बैक ले लिया और लीज बैक भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जाए कि भाई मैं ही दे रहा हूँ तो मुझे दी हो सकता प्लस नया एयरक्राफ्ट आपके पास आ गया मेंटेनेंस कॉस्ट खत्म पाँच छः साल के लिए मेंटेनेंस ही नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ़ द कॉस्ट जो पर पुराने एयरक्राफ्ट होते हैं मेंटेनेंस है हाँ। में बहुत पैसा जाता है पुराना एयरक्राफ्ट मतलब हाथी होता है हाथी वो खाता ही पैसा फिर तो होता ये होता है कि भाई इसमें ये ख़राब हो गया तो ये निकाल के वहाँ लगा दिया तो वो चल रहा तब ये डूब गया इसका आप कहीं और से निकाल के लगाओगे तो मेंटेनेंस बहुत डीप कॉस्ट होता है तो आई थिंक ये जो सारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज उन्होंने लगाई थी बहुत बहुत तगड़ी है ये तो बहुत, बहुत सही बहुत। है ओके लास्ट चीज़ मुझे बताओ दो चीज़ ओके okay? hmm. दो क्वेश्चन थे मेरे लास्ट दो क्वेश्चन ओके okay. hmm. बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली क्वेश्चन है ये मुझे बताना कि आपकी लव मैरिज है ठीक है और आपने एक ब्लॉग में बोला है कि आप जितना भी कमाते हो आप अपने पास नहीं रखते अपने पापा को दे देते हो राइट अपनी फैमिली को दे देते हो रैट? कभी से आपकी हस्बैंड वाइफ लो आपके भी ऐसी मैरिज में कभी फ़र्क पड़ा कभी होता है कि यार क्यों सब घरवालों को देते हो कभी इसमें प्रॉब्लम होती है यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट घर वालों को देता है ऐसा ये नहीं है कि पूरा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ रहता है कि अकाउंट में ही है देखते पापा ये पूरा देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट फैब्रिक होता है मैरिज का कि ट्रस्ट पूरी होनी चाहिए तभी वो सक्सेसफुल मैरिज है नहीं तो फिर हर दिन घुट घुट के जीना है Friends भाई इसमें इसमें यह है कि पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू मच्योर पेरेंट्स सबसे बड़े हैं समथिंग पेरेंट्स हर बार सही डिसीजन लें वो ज़रूरी नहीं है वो गलत हो सकते हैं वो भी इंसान है हो सकता है आप सही डिसीजन ले रहे हो वो गलत ले रहे हो सकता है वो गलत ले रहे हो बट वो, 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 वो आपके हित में लेते हैं हमेशा सही और गलत अलग है इंटेंशनली हित और अनहित चाहना वो अलग है हुँ. तो वो हमेशा चाहते हैं आपके हित में अगर वो आपको मना कर रहे हैं अगर अब आपको यार एडिटिंग के लिए एक अच्छी मशीन चाहिए आपका काम सफल हो रहा है आपको पाँच लाख की मशीन चाहिए वो नहीं समझेंगे वो उनको लगेगा बेटा साठ हज़ार की भी आती है वही लैपटॉप है वही काम हो जाएगा ठीक है भैया थोड़ा दस मिनट लेट रेंडर हो जाएगा तो वो आपका अनहित नहीं चाहते वो बट उनके लिए वो उन्होंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया एग्जैक्टली तो वो वहाँ पहुँच नहीं सकते जहाँ पर आप हो तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू नो कि आपके किड्स बड़े हो गए हैं बच्चे हो गए शादी हो गए वो उनको छोड़ देना चाहिए हाँ उनका पैसा है वो यूज़ करना चाहते हैं कर ले थोड़ा करने लो गलतियाँ hmm. मैं वो कहता हूँ बच्ची खेल रही है मैंने कहा ठीक है करने तो गलती एक बार गिरेगी समझ जाएगी थोड़ा वो बेस्ट लर्निंग होती है यार hmm. थोड़ा कर लो ठीक है छोड़ दो छोड़ दो कर लेगा अपने आप अप समझ लेगा देख लेगा बड़ा हो गया तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा वो होना चाहिए कि नाउ दे शुड दे हैव लिव्ड देयर लाइफ आप थोड़ा सा उनको एक बैक सीट ले लेनी चाहिए ओके <laughs> okay, मेरे को बताओ कि एक ऑन एन एवरेज एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर अभी आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं टोटल सब मिला के मतलब एक चैनल पे? एक चैनल पे मैं लैंग्वेज पे है एट पॉइंट फाइव और सारे मिला के तो ज़्यादा हो गया बहुत तो एक एट पॉइंट फाइव के चैनल पे कितना पर मंथ इंसान कमा सकता है आप सबसे पूछते हो ना चाहे हाँ <laughs> और कोई इसका जवाब नहीं देता मैं भी क्यों दो? नहीं सारे जवाब देते रहे <laughs> मैं इसलिए इजी कर देता हूँ लोगों के लिए कि मैं सारे चैनल्स का नहीं पूछता मैं था कि एक ऑन एन एवरेज छोड़ दो 8.5 मुझे एक मुझे पता एक मिलियन के चैनल पे एक आदमी कितना कमा सकता है एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर भाई डिपेंड अगर आप डेली डाल रहे हो आपका अर्निंग रेट क्या है जो, यूट्यूबर कितने सोर्सेज से कमाता है एक डायरेक्ट एक तो, तो, तो सेंस हो होगा और फिर एक हो गया कि लॉन्ग टर्म डील्स कितनी आपकी एक हो गया कि वन ब्रांड ब्रांडल्स है बट नाउ यू लाइक यार मैं एक डील क्यों करूंगा मैं जो साल का करना है फिर अच्छा रिलेशनशिप हो गए जैसे हमारा बहुत सारे तो हम साल से कर रहे हैं उनके साथ तो एक आपको एक तरीके से वो जॉब ही होगी एक श्योरिटी होगी कि यार ये मैं अच्छा काम करता ये मेरे पास हर साल का इतना पैसा तो देंगे दे ही देंगे बट देन आई थिंक उसके बाद जैसे आप कह रहे हो कि क्रिएटर्स ब्रांड बना रहे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं कुछ अपना कोर्स बना रहे हैं वो चीज़ है अपने प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट बट एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट एंड नॉट पुटिंग हाँ ओ टी टी में दे दो या बहुत सारी ऐप्स हैं वहाँ पर आप दे सकते हो दैट इज़ वन मोर रेवेन्यू सोर्स फॉर क्रिएटर्स सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर स्प्लिट करो तो आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आता है से की -टर्म मेरा मेरा था एक टाइम पे जब लॉकडाउन पे

यूएस oh, में यूएस का एक्स्ट्रा और यहाँ एक्स्ट्रा कल ही वो मैंने चेंज करा के कि अप्रूव किया है मैं बताऊँ मैं वैसे बहुत मेहनती हूँ लेकिन कुछ चीज़ें बहुत आलसी हुए मुझे पता है वो है लेकिन कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे हो गया प्री टैक्स कितना था टैक्स चलो काट देंगे प्री टैक्स था मेरा हर महीने का था भाई काफ़ी था <laughs> <laughs> यार मैं कैसे कंपेयर करूँ भाई <laughs> <laughs> नहीं नहीं ठीक है ठीक है नो इट जिस बिकॉज यू नो मुझे ये क्वेश्चन पूछना सबसे मैं, बताता 30 प्री था। <laughs> नहीं, मैं actually पूछता हमने ये एस बी आई के चेयरमैन से भी पूछा है पब्लिक है, कंपनी से पूछाशियन से मैं कि पर मंथ कितना कमाते हैं अब इतना पूछ ही रहे कर देते हैं भाई जिस कंपनी ने फायर किया था ना एशिया ने उसके सीयू से ज्यादा कमा रहा हूँ ओह ओह भाई ए रेशिया सैलरी कितनी है ये थैंक यू सर थैंक यू सो मच सो मच थैंक यू हमारे साथ बहुत टाइम बिताने के लिए थैंक थैंक यू यू सो मच आपके साथ अच्छा फिर एक बार बैठेंगे थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए और कौन से ऐसे क्रिएटर्स हैं सेलिब्रिटीज हैं ऑनटरप्रिनर्स हैं जिनको आप देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पर और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि हम उनसे पूछें ये कॉमेंट में हमें बताओ क्योंकि आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे जितना ज़्यादा हमें बताएंगे हमारी कमियों के बारे में और हमारी स्ट्रेंथ्स के बारे में हम उतना बेटर एपिसोड आपके लिए लेके आ पाएंगे बिफोर यू लीव दिस एपिसोड प्लीज़ किसी एक इंसान के साथ ये कॉन्वर्जेशन शेयर करो जिसको ये इंस्पायर करेगी उसके इंडियन ड्रीम को चेज करने के लिए क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन बहुत बड़ा चेंज ला सकती है आपकी लाइफ में मेरी लाइफ में पूरी कंट्री की लाइफ में अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड कीप फिगरिंग